कलर देख सकते हो आप इसका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दादेली एंटरप्राइज में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी बढ़िया वीडियो लेके आए। दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा इस बार हमारा सेटअप थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारी दुकान थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो गई है। एड्रेस बिल्कुल सेम है, जहाँ था जहाँ हमारी दुकान थी वहाँ से थोड़ा सा दो दुकान छोड़ के आगे शिफ्ट हो गई है। तो आपको एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे आप लोग कॉल कर ही लेते हो। तो हम आपके लिए लेके आए इस बार M6 Pro मॉडल है। आप देख ही रहे हो डब्बे में किस तरीके का है, मतलब पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही अच्छा मॉडल है। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में दिखाऊंगा। सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर आपको एंड्रॉयड वर्जन 9 मिलने वाला है। जो जितने भी मॉडल आ रहे हैं ना, ज़्यादातर 6 और 8 आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 9 मिला हुआ है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपने AK7 Max का देखा था, उसमें एंड्रॉयड 9 था, ऐसे इसके अंदर भी एंड्रॉयड 9 है, जिसमें अमेजोन नेटफ्लिक्स वगैरह बिल्कुल नहीं रुकती। तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है। तो दोस्तों इसकी करते हैं अब हम अनबॉक्सिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे ओपन करके। इसके सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर आपको मिलेगा एक कैरी बैग, जो हर किसी प्रोजेक्टर के साथ नहीं मिलता, जो इसके साथ मिल रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बॉक्स को साइड करते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। इसके पहले एसेसरीज देख लेते हैं। इसके साथ आपको एसेसरीज में जो मिलता है, एक रिमोट मिलता है, एक रिमोट, एक HDMI केबल, एक आपको पावर केबल, ये आपको ऑडियो वीडियो के लिए जो सेटअप बॉक्स HD नहीं है वो कनेक्ट कर सकते हो आप इसमें। और ये इसके साथ मिलने वाले जो इसको हैंडल जो रबड़ का लगा हुआ होता है उस चीज़ के लिए, ये आपको दिखाऊंगा ये किस यूज में आएगा अभी। और एक मैनुअल है इसके बारे में। तो इन सबको मैं साइड में करता हूँ। मैं आपको अब दिखाता हूँ प्रोजेक्टर। देखिए दोस्तों प्रोजेक्टर कितना अच्छा है। इसके अंदर अभी इसका हैंडल करने वाला जो होता है, हैंडल वाला ये होगा, जो हम इसको इस तरीके से, जो मैं ये आपको दिखा रहा था, जो ये यहाँ पर लगकर इसमें इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। इसको लगाने के बाद इसकी बड़ी यूनिक लुक दे देता है। इसको लगने के बाद देखिए दोस्तों, पकड़ने में, कैरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कि सबसे अच्छी बात यह है इस प्रोजेक्टर के अंदर कि आपको दोनों साइड में, एक इस साइड में और एक साइड में, दोनों साइड में आपको स्पीकर मिल जाते हैं, सामने आपको ये फोकस वाला मिल जाता है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर ये बटन मिल जाते हैं जो आपको रिमोट अगर यूज़ नहीं कर पाते, जैसे रिमोट ख़राब हो जाता कुछ भी, तो आप मतलब इसके अंदर सारे बटन हैं जो बटन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब आते हैं इनके पोर्ट्स की तरफ। इनके पोर्ट्स की तरफ आते हैं, इसमें ये पावर का पोर्ट दिया हुआ है, और ये सिर्फ इसमें ऑन ऑफ का एक बटन दिया हुआ है, ठीक है जी, इसमें एक बटन दिया हुआ है, और दो HDMI के पोर्ट्स दिए हुए हैं, और दो USB, एक हेडफोन, जैसे अगर आप ऑक्स की केबल लगाना चाहो ऑक्स की भी लगा सकते हो। अगर आप इसमें हेडफोन से पर्सनल यूज के लिए, हेडफोन के थ्रू आवाज़ किसी और को नहीं सुनाना हेडफोन से, तो आप इसमें हेडफोन भी लगा सकते हो। और इसमें ऑडियो वीडियो, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था ये वाली, इसमें लगाने के बाद अगर HD सेटअप बॉक्स नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसको हैंडल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कुछ मतलब और भी मॉडल होते हैं, सभी मॉडलों के अंदर आप इस तरीके से उठा के लेके जाते हो, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। इसके अंदर पकड़िए और लेके चलिए कहीं भी। ये इसके साथ एक ये कैप मिली, काफ़ी अच्छी कैप, मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए, तो आप इसमें यूज ना करने पर आप इसकी कैप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको चला के दिखाता हूँ, इस प्रोजेक्टर के अंदर क्या क्या है, कंट्रास्ट रेशो क्या है, इसके लूमिनस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा, बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ। इसकी आप क्वालिटी देख लीजिए, वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो मैं पहले इसको सेटअप कर लेता हूँ और फिर मैं आगे बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, तो उसमें आपको इसके प्राइस भी मिलेंगे। प्राइस मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, वीडियो को देखते चलिए। इसकी बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी है,
और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको एंड्रॉयड वर्जन 9 मिलता है। इसको सेटअप करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हमने सेटअप कर लिया है इसका, और मैं आपको अब इसको चला के दिखाऊंगा। इसके अंदर भी रिमोट को आप स्क्रीन के तरफ करके चला सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा, मतलब रिमोट कंट्रोल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं इधर करता हूँ, और इधर करने के बाद ये ऑन हो गया। आपको ना इसकी जो हीटिंग बाहर निकालने वाला फ़ैन होता है, उस फैन की आवाज़ बहुत ही नागे बराबर आएगी। आप देख सकते हो रोशनी हो रही है काफ़ी, और उसमें इसकी क्वालिटी इस तरीके की दिख रही है। अभी मैं लाइट ऑफ करूँगा। इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन 9 है, और इसके कंट्रास्ट रेशो 4000 है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये 720p प्रोजेक्टर है, लेकिन फुल HD सपोर्ट करता है। देखिए दोस्तों इस तरीके का दिखा रहा है, इसका इंटरफेस बिल्कुल MI की तरह होता है, जैसे MI TV के अंदर आता है ना, उसी तरीके का इसका इंटरफेस है। मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। लाइट ऑन करके ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए लाइट ऑन करने के बाद थोड़ा सा मैं जूम और करा देता हूँ आपको, बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं इसके अंदर आपको सबसे पहले USB कनेक्ट करके दिखाऊंगा, USB के बाद मैं आपको इसमें YouTube चला के दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर एक USB लगा देता हूँ। इसमें मैंने USB लगा दिया। मैं अब आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि मैं रिमोट को स्क्रीन की तरफ करके ही यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मैं लाइट ऑफ करने के बाद, ये रहा फाइल ब्राउज़र। फाइल ब्राउज़र को हमने ओके किया, और USB ड्राइव लिख रहा है, उसको हम ओके कर सकते हैं। आप देख सकते हो सारे फोल्डर आ गए USB के। तो मैं इसमें आपको अब चला के दिखाऊंगा, एक नॉर्मल वीडियो चला के दिखाऊंगा, मैं कोई सॉन्ग नहीं चलाऊंगा, और आपको ऐसी नॉर्मल वीडियो दिखाऊंगा जिसकी मैं साउंड कम कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी क्वालिटी देखिए आप। ये प्रोजेक्टर चल रहा है जो आप फोकस हुआ है, और ये स्क्रीन चल रही है इसी की। अभी इसके अंदर मैंने USB कनेक्ट किया हुआ है, अभी मैंने इसके अंदर USB कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि मेरे ऊपर भी इसकी स्क्रीन आ रही है। तो मैं बिल्कुल, अभी क्या है, नॉर्मल लाइट आप देख सकते हो कि प्रोजेक्टर, अभी मैं लाइट बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ जो और भी है, तो बिल्कुल अंधेरा करने पे आप देख सकते हो किस तरीके का आएगा। ये देखिए, अब आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है, मतलब चीप एंड बेस्ट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये। इस प्रोजेक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा, इसकी 1 ईयर की वारंटी मिलेगी आपको। मैं पहले लाइट ऑन कर देता हूँ जिससे मैं आपको दिखने लगूँ। दोस्तों इस वाले प्रोजेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात तो ये, इस वाले मॉडल के जो भी इसका स्पेसिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी कुछ, इसके क्या क्या कैसे कैसे है। दूसरी चीज़ ये 3500 इसके लूमिनस है, और मतलब इस लूमिनस में अच्छी है, ब्राइट, कोई दिक्कत नहीं है घर में चलाने के लिए। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं आप घूमने जा रहे हो, तो आप इसको बड़े प्यार से, ये देखिए, कैरी कर सकते हो। ये देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं भी लेके जा सकते हो, तो चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आज मैंने बताया था ना कि दूसरे वाले के लिए सबसे अच्छी बात है, इसके साथ आपको ये वाला बैग मिल रहा है, तो इस वाले बैग के साथ आप लेके जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसके अंदर YouTube चला के दिखा देता हूँ। तो ये सारा बैग करता हूँ, इसकी मैं सेटिंग के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले वाईफाई है, उसके बाद आप इसमें गूगल का अकाउंट बना सकते हो, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ ये, इसके अंदर माउस मोड मिल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आप रिमोट के ज़रिए नहीं जा सकते, तो आप माउस से जा सकते। जैसे देखिए, मैं अभी इसमें ओके करता हूँ और माउस मोड ऑन करता हूँ। माउस मोड ऑन करने के बाद ये देखिए, ये आ रहा है, ये माउस आ गया। तो इसको आप जैसे ब्राउज़र वगैरह यूज करते हो आप इसमें, तो बहुत ही आराम से चला सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो हमारा माउस का हो गया।
अब हम बात करते हैं, पहले माउस मोड में ऑफ कर देता हूँ, और बड़ा स्मूथली चल रहा है माउस मोड भी। अब इसमें सोर्स में आ जाते हैं, सोर्स में आपने जो कनेक्ट करना है वो चीज़ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी नो सिग्नल है, मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने यूएसबी दिखाया था अभी आपको, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें लैंग्वेज है, डिस्प्ले मोड आ जाता है, इसमें एस्पेक्ट रेशो जिससे कि आप छोटा करना चाहो या बड़ा, जैसे ये देखिए 4:3 रेशो में हो गया, ठीक है 16:9 रेशो में हो गया, तो इस तरीके से कर सकते हो आप। इसमें कीस्टोन करेक्शन आपको मिल जाता है, ये देखिए इसके अंदर 4D करेक्शन मिल जाता है आपको। इसमें जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी ऊपर करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये वाली स्क्रीन किस तरीके से छोटी हो रही है, ये वाली छोटी हो रही है, और अगर मैं उस वाली को भी करना चाहूँ तो जैसे और छोटी इस साइड में आ रही है अब ये। तो किसी भी तरीके से आप इसमें 4D करेक्शन कर सकते हो, कोई भी कॉर्नर में 4D में, जैसे कहीं से भी, 4 कॉर्नर है इसमें, 4 कॉर्नर में आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी मैंने क्या किया है कि हमारा प्रोजेक्टर वैसे बिल्कुल सेंटर में रखा, लेकिन स्क्रीन से, ये देखिए स्क्रीन से इतनी छोटी कर दी, क्यों, इसका मतलब ये है कि आप अगर साइड में रख के भी प्रोजेक्टर चलाना चाहो तो सेंटर में यहाँ कर सकते हो। इसका मेन्यू बटन दबा के रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। अब हम बैक करते हैं आगे। इसके अंदर आपको जूम भी मिल जाता है, जूम का ऑप्शन, ये देखिए ये जूम का ऑप्शन है इसमें, ये देखिए। अगर हम पीछे ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा पीछे रखने के बाद स्क्रीन से बाहर आपकी आपका जो पर्दा लगा हुआ है उससे बाहर निकल रही है इसकी स्क्रीन, तो आप उसे छोटी करके एक सेट कर सकते हैं एक जगह जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर, ठीक है, ठीक है जी। क्योंकि ये वाले जो फीचर्स हैं ना, ये काफ़ी अच्छे हैं और एंड्रॉइड 9 में ज़्यादातर मिलते हैं। प्रोजेक्शन मोड है, आप इसको जैसे मर्जी लगाना चाहो, जैसे देखिए ऊपर लगा के आप सीधे देख सकते हो, इधर से आप पीछे की तरफ से देख सकते हो, तो इस तरीके का इसमें दिया हुआ है। बाकी इसके अंदर 2GB और 16GB आपको रैम रोम मिल जाती है। अबाउट में आके मैं आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एंड्रॉयड वर्जन 9 है इसमें। अब मैं आपको इसके अंदर यूट्यूब दिखा देता हूँ प्ले करके। YouTube मैंने ओपन किया, इसमें मैंने पहले से ही वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं आपको YouTube दिखा देता हूँ। जो मैंने वीडियो आपको दिखाई थी उसी तरीके के दिखा देता हूँ, जैसे 4K वीडियो ये आ गया, ओके किया हमने, ये 4K वीडियो सारी आ गई हैं। हम कोई भी, चलो एक इसको चला देते हैं, साउंड कम करके रखते हैं। ये देखिए इसकी अपडेटेड वर्जन है YouTube का भी। जैसे आप यहाँ पे आके इसमें आप मोर में जाके और HD मतलब क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर 1080p चल रहा है, तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, मतलब 2160 वाला भी अगर चलाना चाहो तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अभी क्या है स्पीड के हिसाब से ही ये पकड़ रहा है। तो आप इसकी देखिए क्वालिटी, अभी मैं बिल्कुल अंधेरा कर देता हूँ, तो अभी आप देखिएगा बिल्कुल अंधेरा करने पे और मज़ा आएगा। ये देखो, आपको इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, कलर बहुत ही नेचुरल है इसके, कलर में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कलर देख सकते हो आप इसका। मैं अभी एक और कोई दूसरी वीडियो चलाता हूँ जो कलरफुल हो, वो वीडियो में दिखा देता हूँ। दुबई दिखा देते हैं आपको, दुबई देखिए, ये देखिए इसको, इसको जितना पीछे करोगे उतनी बड़ी स्क्रीन होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जूम का ऑप्शन है, पीछे करके आप स्क्रीन छोटी कर सकते हो अपनी स्क्रीन के बारे में। जैसे क्या होता है, बीच में किसी के पास जितनी दूरी से आपकी स्क्रीन बनी हुई होती है उतने आपके पास वहाँ पे जगह नहीं होती, कुछ ना कुछ रखा होता है, तो आप पीछे करके इंस्टॉल करके और इसका जूम छोटा कर दीजिए और बहुत ही अच्छी आप मतलब स्क्रीन पे सेट हो जाएगी आपकी इसकी स्क्रीन। दोस्तों आपने इसकी क्वालिटी देख ही ली है। दोस्तों मैंने आपको ये चला के दिखाई दिया है, इसके अंदर किस तरीके से कनेक्टिविटी है, क्या है, सब कुछ दिखा दिया है। इसका अगर आपको स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी,
और इसका जो हमने प्राइस रखा हुआ है, इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 17,000 रुपये। 17,000 रुपये में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। देखिए अच्छी बात ये है कि जैसे आप अपने घर से बाहर घूमने के लिए जा रहे हो कहीं फैमिली के साथ, तो आप इसको लेके जा सकते हो और बाहर वहाँ पर फिल्म का, इसके साथ एक थिएटर का इंजॉय, पूरा इंजॉयमेंट ले सकते हो। तो अब बात होती है इसको आप कैसे मंगा सकते हो। आप इसको मंगा सकते हैं, कॉल करिए हमारे पास। अगर आप दिल्ली से थोड़ा आसपास है, दिल्ली एनसीआर में, तो आप हमारे पास विजिट करके इसका डेमो लेके जा सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि हम कैश ऑन डिलीवरी भी देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में थोड़ा सा एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। थोड़ा सा एडवांस पेमेंट करने के बाद बाकी का जो बचेगा वो आपको आपके घर पर देना है। कैश ऑन डिलीवरी का जो भी चार्ज होता है, जैसे अभी आप थोड़ी सी एडवांस कर देते हो तो आपको कोरियर का चार्ज एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ेगा। कोरियर का चार्ज अलग से होता है। तो मंगाइए इसे, अगर जो भी लेना चाहते हो तो कॉल कीजिए। दोस्तों आपने देख लिया इस वाले प्रोजेक्टर के बारे में, मैंने सब चीज़ बता दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा है, जो पहले से हम देते चले आ रहे हैं। हमारी दुकान बस वहाँ से दो दुकान थोड़ा सा आगे आ गई है, आपको दिख जाएगा दादेली इंटरप्राइज का बोर्ड दिख जाएगा लगा हुआ। आप आइए और आके विजिट करना चाहते हो तो विजिट करके लेके जाइए। इसके अलावा और भी कभी मॉडल है, आप लोग पीछे देख सकते हो, काफ़ी तरीके का हमारे पास मॉडल है। बहुत अच्छे अच्छे है, छोटे से छोटा, अच्छे से अच्छा, हर तरीके का मिलेगा, तो वो आप ले सकते हो। आप आइए, कैश ऑन डिलीवरी में आपको मैंने बताई दिया कि क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर नए नए आने वाले हैं और हम आपके लिए नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।